अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह, आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव इक्वेशन को, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिपल टैंक को। लेक्चर की तरफ जाने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, व्हाट इज रिपल टैंक? सबसे पहले क्या है रिपल टैंक? है क्या? कहते जी, डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज अ अपरेटस। सबसे पहले अपरेटस, अपरेटस क्या है? एक डिवाइस है, और इस डिवाइस में क्या क्या चीजें यूज होती हैं वो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आया था जी, विच इज यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। इसके अंदर कौन सी चीजें प्रोड्यूस होती हैं? वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। एंड स्टडी देयर प्रोपोगेशन, और स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रोपोगेशन नहीं, प्रॉपर्टीज। और इसकी प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी करना है, यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इस ऑपरेटर को देखना है कि इस ऑपरेटर के अंदर क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने वाटर वेव्स को कैसे स्टडी करते हैं, कौन कौन से किस्म की वाटर वेव्स बन सकती हैं, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑपरेटर से सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ऑपरेटर किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ना एक तस्वीर आप लोगों की बुक के ऊपर जो बनी है वो भी, और आप लोगों की एक डायग्राम जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई, यहाँ पे दो तस्वीरें मैं आप लोगों को शेयर करवा रहा हूँ। वहां पे लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल ट्रे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ट्रे आप लोगों को नजर आ रही होगी जिसके ऊपर एक क्या है जी, प्लेस्ड 1/2 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ टेबल। इसके ऊपर क्या है जी, ग्लास पड़ा हुआ है 1/2 मीटर, आधा मीटर जो है ना वो उस टेबल के ऊपर एक ग्लास की जो है वो तय, या आप लोग कह लेंगे ग्लास ग्लास की एक तय, या आप लोग समझ लेंगे वो पड़ी हुई है। ठीक है जी, ग्लास बॉटम आप लोग उसे समझ लेंगे, ग्लास बॉटम। उसके बाद क्या है, द वाइब्रेटर, एक वाइब्रेटर है वो क्या करता है, वो वेव्स बनाने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, सिर्फ इतना ही है, ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है विच इज यू फिक्स्ड ऑन वुडन बार, जो कि क्या है आप लोगों को इधर साइड के ऊपर नजर आ रहा है, वुडन बार। वुडन बार क्या है, वो वुडन बार जो है इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, और आप लोगों को ऊपर वाली पिक्चर के अंदर भी नजर आ रहा होगा वुडन बार, द प्लेट इज सस्पेंडेड बाय मीन ऑफ रबर बैंड। इसको क्या किया जाता है, रबर बैंड के साथ बांधा जाता है। आप लोगों को इस तरह ओवल शेप में नजर आ रहे होंगे इसी वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, रबर बैंड एंड इट्स लोअर एंड इज जस्ट टचेज द सर्फेस ऑफ वाटर, यानी कि एक जो ये आप जो बार है ना वो एक उसकी सिर्फ लोअर सर्फेस जो है वो टच कर रही है। ठीक है, आप लोगों को ये सारी वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा। इस सारी वीडियो के अंदर आप लोग क्या नजर आ रहा है, एक ऑपरेटस है, ऑपरेटस किस चीज के ऊपर, एक रेक्टेंगल ट्रे है जो कि 1/2 मीटर अबव है, उसके ऊपर ग्लास की एक तय बनी हुई है, वो क्या करता है जी, उसके साथ एक वाइब्रेटर अटैच है, वाइब्रेटर एक स्विच के साथ अटैच होगा, जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, उसको मूव करवाने में मदद देगा। ठीक है, एक हम लोग लैंप इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग वाटर वेव्स को एक शीट के ऊपर ऑब्जर्व कर सकेंगे। ये था जी इसका ऑपरेटस और इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हमने क्या करना है जी, ये कौन कौन सी, इसकी वर्किंग क्या है? सबसे पहले हमने क्या देखना है जी, इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है। सो क्वेश्चन है ना, ये कैसे वर्क करेगा, तो ये देखें, जनरेशन ऑफ स्ट्रेट वेव्स। इसे दो किस्म की वेव्स बन रही है, एक तो स्ट्रेट वेव्स है और दूसरी क्या है, सर्कुलर वेव्स। ठीक है, जिनके कर्व वेव्स, कर्व वेव। सबसे पहले हम देखते हैं जी जनरेशन ऑफ स्ट्रेट वेव। अब आप लोगों के सामने वही वाली वीडियो जो है, मैं उसको दोबारा से प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देखें कि व्हेन द वाइब्रेटर इज ऑन, जब भी वाइब्रेटर को ऑन किया जाएगा, प्लेट स्टार्ट द वाइब्रेशन, तो वो क्या करेगी, ये देखें, ये आप लोग समझे कि वुडन ब्लॉक है और ये इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाटर वेव के साथ ऐसे ऐसे अटैच करना शुरू कर देगा। ये वाइब्रेटर है और मैंने इसको वाटर वेव कंसीडर किया है, देखें ये ऐसे ऐसे इसके साथ अटैच करना शुरू कर देगा, और जो वेव्स बनेगी डिस्टर्बेंस के साथ वो क्या बनेगी, आर जनरेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, स्ट्रेट वेव्स जो है वो बन जाएंगी। ठीक है जी, स्ट्रेट वेव्स कैसे बनेगी, अब क्वेश्चन तो ये है ना कि स्ट्रेट वेव्स कैसे बनेगी, तो वो जब इस तरह बार बार कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, तो उसके साथ क्या स्ट्रेट वेव्स बन जाएंगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को वेव्स सारी नजर आ रही है, ये ब्लैक है, उसके बाद व्हाइट सी है जो आपको लाइन नजर आ रही है, व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट। ठीक है, अब ये ब्राइट लाइट, ये जो है ये वाला हिस्सा जो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड का नजर आ रहा है ब्राइट, ठीक है, ये आप लोगों को कैसे मिल रहा है, ये आप लोगों ने पढ़ा था जब मैंने आप लोगों को वेव्स वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। जैसे ही कंप्रेशन होती है ना, कंप्रेशन जब होती है उसे लाइट, यानी कि जो वेव है उससे ऊपर से लाइट है ना, तो लाइट क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अब कन्वर्जिंग क्या है, ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में पता चलेगा कि वो एक ही फोकस के ऊपर आगे मिलती है। ठीक है, कन्वर्ज करेगी और वो क्या है, वो ब्राइट लाइन्स बनेगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये कंप्रेशन होगी,
कंप्रेशन, और कंप्रेशन से क्या होगा जी, कन्वर्जिंग होगी, कन्वर्जिंग होगी किसकी, लाइट की। और उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे ब्राइट ब्राइट लाइंस बन जाएंगी, ठीक है जी। और सेम एज इट इज जहां पे ये डार्क है, तो डार्क के ऊपर क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, ऐसे ही रेयर फ्रैक्शन होगी। तो उसके साथ जब रेयर फ्रैक्शन होगी तो ये वाला जो है ये डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्जिंग। और यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, डार्क लाइंस बन जाएंगी, यानी कि ये जो डार्क वेव्स बनेगी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, साइड के ऊपर भी जो डार्क लाइंस है ऊपर वाली तस्वीर के अंदर भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, उसके बाद जनरेशन ऑफ सर्कुलर वेव्स, के सर्कुलर वेव्स क्या है, सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग अब क्या करेंगे, हमने ये जो वाइब्रेटर हमने कंसीडर किया था इसके अंदर भी आप लोग, हमने क्या किया इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और इसके नीचे हमने क्या किया जी, एक नोब को प्लेस कर दिया, छोटी सी नोब, ठीक है। वो नोब इसके साथ लगी, अब हमने इतना ऊपर करना है कि वो नोब सिर्फ वाटर सर्फेस को टच करे, वो क्या जी, सिर्फ नोब वाटर सरफेस को टच करे। जैसे ही वो नोब वाटर सरफेस के साथ अटैच होगी तो वो क्या करेगा, वो लोअर के साथ ये वाली लाइन इस तरह वेव्स बननी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, जैसे ही नोब इज अटैच विद इट्स लोअर इन सच अ वे, इस वे के अंदर दैट इट टचेज द सरफेस ऑफ वाटर, क्या चीज सरफेस के साथ टच करेगी, नोब, क्या चीज सरफेस के साथ करके, नोब वे दैट नोब इज, नोब इट टचेज द सर्फेस ऑफ वाटर वेन द वाइब्रेटर इज ऑन, जब भी वाइब्रेटर को यानी स्विच ऑन किया जाएगा सर्कुलर वेव्स क्या करेंगी, बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे अभी जो दूसरी आप लोगों के सामने उसी वीडियो के अंदर क्या है जी, सर्कुलर वेव्स भी बन रही है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, उसके साथ वाइब्रेटर जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, क्लियर हो गया बात यहाँ तक। और ये हमारे पास क्या था जी, हमने वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर लिया, हमारे पास अपरेटस हो गया कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद वाटर वेव्स को हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब हम लोगों ने इसका करने हैं उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए मुझे ये सारा तामझाम जो है रेज करना पड़ेगा, मैं इसको रेज करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों से मैं मिलता हूँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद। अच्छा जी, अभी हमने क्या किया, मैंने वो प्रॉपर्टीज जो है उसको मैंने लिख दिया, ये मैं अपने टूटी फूटी डायग्राम के साथ आपके सामने दोबारा से। अच्छा अब देखिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रेक्शन, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो वेव्स, वाटर वेव्स जो है वो फॉलो कर रही होती हैं। जैसे देखिए रिफ्लेक्शन में वो कैसे कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है, व्हेन वेव्स मूविंग इन अ मीडियम, जब किसी भी मीडियम से पास आउट हो रही है, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम, किसी भी अदर मीडियम के ऊपर, दे बाउंस बैक, वो वापस आ जाए, दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल के ऊपर वो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल के ऊपर उन्होंने टकराव किया, जहां पे उस सरफेस के ऊपर टकराए, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसका जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि आप देखें, आप लाइट है, आप लोग उसको मिरर के ऊपर मारते हैं, ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने उसको मिरर के ऊपर मारा वो वापस बाउंस बैक होकर आपकी तरफ आ जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन ही हो रही होती है। हम इस सर्फेस को कंसिडर कर लेते हैं कि ये है जी मिरर, ठीक है, और ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो है ये हमारे पास एयर, तो हमारे पास एंगल फिर क्या हो जाएगा, देखें फिर हम यहाँ पे एंगल लिख देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाए, रिफ्लेक्शन के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो है वो हो रही है, हमने इसको मिरर कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन, आप लोगों को इधर वाली साइड के ऊपर डायग्राम मुसलसल शो हो रही होगी, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। एक पैट एक जो मीडियम है उसके अंदर एक रे जो है वो ट्रेवल कर रही है, और दूसरे मीडियम के ऊपर जैसे ही पड़ती है तो वो एक एंगल बनाती है, अगर वो एंगल जो है वो पहले वाली एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा जब आपके पास आ गई है जी सेकेंड, और सेकेंड जो डायग्राम है उसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जी एक डायग्राम नीचे वाला ब्लू वाला हिस्सा जो है उसको ग्लास कहा गया है, और ये वाला एयर मैंने उसी तरह की एक सेम टू सेम डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये हमारे पास हमने नॉर्मल को ड्रा किया है, इधर वाला हमने नॉर्मल, ये वाला एम जो है वो नॉर्मल को ड्रा किया, ये इनके सीधी लाइन, ये वो कहते हैं व्हेन वेव्स मूविंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी वेव जो है वो बाउंस बैक ना करे, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पास आउट हो जाए, दे एंटर इनटू सेकंड मीडियम एट सम एंगल, वो कोई ना कोई एंगल बनाएगी, वो कोई ना कोई एंगल बनाएगी, तो सम एंगल, देयर डायरेक्शन में भी चेंज, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, जैसे ही एंगल चेंज होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है,
रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहलाता है। अच्छा जी कैसे हुआ, देखें जी ये ग्लास मीडियम था, एयर से कोई ना कोई रे या कोई ना कोई लाइट पास आउट हुई, वो जैसे ही एक ग्लास के ऊपर पड़ी वो क्या हुआ, उसके अंदर से पास आउट हो गई। जैसे उसके अंदर से पास आउट हुई तो यहाँ पे एक एंगल बना जिसको हमने रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड एंगल कहा, और ये इंसिडेंस एंगल था। इस इमेज के अंदर आप लोग देखें उसने अपनी डायरेक्शन को भी चेंज किया। यहाँ पे आप लोगों को जो शो हो रही है, अगर यहाँ से आप लोगों को समझ आ रही थी, यहाँ से ठीक है, अगर उधर शो हो रही है तो उधर भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो उसने अपनी नॉर्मल लाइन जो है उधर से पास आउट किया, लेकिन उसने डायरेक्शन भी चेंज की और साथ के साथ उसने क्या किया, अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हम डायफ्रैक्शन के ऊपर, के डायफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन भी आप लोगों को थोड़ी सी समझ थी, रिफ्रैक्शन भी, अब डायफ्रैक्शन क्या, कहते जी द बेंडिंग, बेंड हो जाना और स्प्रेडिंग या उनका फैल जाना ऑफ वेव्स, वेव्स का या तो बेंड हो जाना या फैल जाना वेव्स अराउंड द शार्प एजेस, यानी कि ये शार्प एजेस है ना इनके दरमियान, और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, यानी कि अगर आप लोग वहां पे स्लिट्स लगा देते हैं, ये स्लिट्स हैं ठीक है, ये स्लिट है और एक ये स्लिट है जिसे आप लोग कह देते हैं कि होल है, ठीक है, जिसके अंदर से पूरी वेव पास आउट हो रही है। जैसे ये वेव पास आउट हो रही है, आप लोगों को ये बैक साइड के ऊपर मेरे एक इमेज शो हो रही होगी, वो क्या होता है, वो डायफ्रेक्शन ऑफ वेव है, वो यहाँ से इस तरह पास आउट हो रही होती है एक कर्व की शक्ल में। इसी बेंडिंग और स्प्रेडिंग को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इसी बेंडिंग और स्प्रेडिंग को हम डायफ्रेक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये होता क्या है, ये और इनमें फर्क क्या है। तो अगर हम डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे स्लिट्स के दरमियान में अगर हम दोनों का डिफरेंस ज्यादा कर देंगे तो हमारे पास जो बेंडिंग है वो जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, देखें डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम इसे कह सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, देखें हमने एक वेव पढ़ी थी, देखें ये वेव, ये डिस्टेंस हमने वेवलेंथ पढ़ा था ना, ये देखें, और ये वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, लेमडा। अगर लैम्डा जो है वो बेंडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं यहाँ पे बेंडिंग लिख ही देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए अगर तो बेंडिंग ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या है, कम है, वेवलेंथ क्या है, कम है। एक और एमसीक्यू मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू है। देखें अगर ये वाला जो लैम्डा है ये इन दो स्लिट्स के दरमियान में अगर लैम्डा हो, यानी कि ये इतना डिस्टेंस हो उस वेव का, जो वेव इसके अंदर से पास आउट हो रही है, अगर वो उसका लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ और इसकी जो वेवलेंथ है वो सेम है, तो इसका मतलब जो एजेस हैं वो बहुत क्लियर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और वो शार्प एजेस हो जाएंगे। ठीक है, और बेंडिंग जो है वो ज्यादा होगी। इसी तरह अगर लैम्डा ज्यादा है तो बेंडिंग कम है, और अगर बेंडिंग कम है तो डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव प्रोडक्शन, या वेव अगर बन रही हो तो उसकी प्रॉपर्टीज थी। और रिपल टैंक के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि रिपल टैंक लिखें, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखें जो हम लोगों ने पहले पढ़ी, और उसके बाद आप लोगों से कोई ना कोई रिफ्लेक्शन पूछ सकता है, रिफ्रैक्शन पूछ सकता है या डायफ्रैक्शन पूछ सकता है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट आप लोगों का क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए, ताकि आप लोगों को अगर इसमें से या इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछ ले तो आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।